अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर के लेक्चर की बारी है और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यू है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर प्रैक्टिकल के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो डेफिनेशन कम्प्लीटली देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का एक सर्किट में, और द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स करंट। ठीक है, अगर कोई बैटरी है तो इसका ईएमएफ भी पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जा सकता है। और पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वायर की, मैंने बताया 1 मीटर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखनी है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी मेजरमेंट के अंदर। सो पोटेंशियोमीटर से किस तरीके से हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं अननोन बैटरी का, इस बात को समझ लेते हैं। देखो, ये जो मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया है ना, ये मैंने बनाया है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर तक होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि 10 मीटर हो, 1 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है। यहाँ पर होता यह है कि एक स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है, स्केल 1 मीटर का होता है। फिर एक वायर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर 1 मीटर यहाँ तक खींच के यहाँ से घुमा के फिर इधर वापस ले जाते हैं। तो इस तरीके से 10 लाइनें वायर की होती हैं, और यहाँ तक आते आते वो 10 मीटर का हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके कॉलेज में लैब में ऐसा पोटेंशियोमीटर ना हो बल्कि एक वायर वाला हो, तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पूरी लॉजिक समझनी है कि पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम किस तरीके से कोई भी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेन मकसद यही है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम कोई भी एक बैटरी का ईएमएफ मालूम कर सकते हैं, या फिर हम मालूम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो हमारा मेन मकसद है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर समझने से पहले ज़रूरी है कि आप पोटेंशियल डिवाइडर को समझो। पोटेंशियल डिवाइडर समझ में आएगा तो पोटेंशियोमीटर ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक वायर है जिसकी कोई भी लेंथ है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इससे एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी का कोई वोल्टेज है, की जोड़ दी ऑन ऑफ करने के लिए, और एक रियोस्टेट लगा दिया टू वेरी द करंट। अगर मैं चाहता हूँ कि करंट वेरी करूँ तो यहाँ से हम करंट को वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, बैटरी को की को ऑन कर दिया, तो अब यहाँ से यहाँ करंट पास हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये है 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट बैटरी है, तो अगर मैं एक वायर यहाँ से कनेक्ट करूँ, एक वायर इस पॉइंट से कनेक्ट करूँ, और मैं इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस नापूं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर मुझे कितना वोल्टेज बताएगा। ऑफ कोर्स पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, तो मुझे वोल्टेज बताएगा 12 वोल्ट। ठीक है, लेकिन असल बात जो समझने वाली है जो पोटेंशियल डिवाइडर में होती है, वो ये है कि अगर मैं एक कनेक्शन इधर से लूँ और एक कनेक्शन तकरीबन मिड पॉइंट से लूँ, और फिर मैं वोल्ट मीटर से नापूँ कि भाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वोल्टेज कितना है, तो मुझे देगा 6 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का मेजर करें तो वो भी देगा 6 वोल्ट। फिर वही बात है, 6 वोल्ट + 6 वोल्ट कितने हो जाएंगे, 12 वोल्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ना, ये वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पूरा अगर यहाँ से मेजर करूँगा तो 12 वोल्ट, फिर अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँ तो 12 वोल्ट से कम होता रहेगा, कम होते 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 इस पॉइंट पे आके 6 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से मूव करते 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 यहाँ पर आके ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो सर्किट मैंने बताया है, ये पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है, जो जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी कॉमन एग्जाम्पल घरों के अंदर डिमर लगा होता है, तो डिमर एक पोटेंशियल डिवाइडर है। आप देखोगे डिमर को अगर हम मूव कराते हैं तो उससे पंखा स्लो हो जाता है। पंखा स्लो होने का मतलब एक्चुअली हम वोल्टेज को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मूव कराया इस तरफ, तो वोल्टेज कम हो रहे थे। अब देख लो कि पोटेंशियोमीटर किस तरीके से बनेगा। देखो, वही पोटेंशियल डिवाइडर से हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से यहाँ से एक ऐसी बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ हमें पता है, ईएमएफ ऑफ सोर्स, ईएस का नाम दे दिया इसको, और फिर उसको जोड़ दिया एक की से, ये पहली वाली की है की 1। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ से ए से एक बैटरी को जोड़ा, ईएस का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसका ईएमएफ हमें पता है, तो ये ईएमएफ ऑफ सोर्स है। और फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई किसकी, यहाँ पर वैल्यू आ गई की 1। इसी तरीके से फिर अगर हम चेंज करें, ठीक है, चेंज किस तरीके से करें कि हम यहाँ पर कर देते हैं एक और इसी सीरीज़ में, इसी के साथ 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 एक और बैटरी लगा दी, और ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, और इसी वजह से उसको नाम दे दिया ईएक्स। ये जो ईएमएफ है ये अननोन है, और ये जो ईएमएफ है ये सोर्स का था। इसको अलग से एक उससे लगाया हमने की से,
इसको हमने की टू का नाम दे दिया, और फिर दोनों का एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे बना के इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे एक अलग से दिखाया हुआ है ना रेक्टेंगल बना के, ये एक्चुअली एक टू वे की भी होती है। तो अगर मैं अलग अलग की नहीं लगाना चाहता तो टू वे की के जरिए भी इन दो बैटरीज को मैंने लगा दिया एक पोटेंशियल डिवाइडर के साथ। अब क्या करेंगे, इसी के साथ फिर मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया एक गैल्वानोमीटर। ये एक्चुअली एक गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर से फिर हमने एक वायर जोड़ दिया और वायर से हमने लगा दी जोकी। तो जोकी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, जोकी ये है कि इजीली वायर को हम होल्ड नहीं करते, तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट करंट से वो मतलब एक्सपोज ना हो रहे हो, तो इस वजह से हम जोकी को इस्तेमाल करते हैं। पेन के साइज का एक प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है। ठीक है भाई, तो अब करना क्या है, मैं ये बात आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर का सर्किट, जिसमें पोटेंशियल डिवाइडर था, एक तार था। एक्चुअली ये वो तार है जो मैंने अभी उसमें फिगर में दिखाया था ना, ए से लेके बी तक का, यही वो तार है जो 1 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर हो सकता है। फिर एक बैटरी लगाई, नॉन बैटरी, और फिर एक बैटरी लगाई साथ में अननोन बैटरी, दोनों की इसके साथ जोड़ के गैल्वानोमीटर से जोड़ के, जो कि जिसको हमें इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने में पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं की वन को ऑन करूँगा और की टू को मैं फिलहाल ऑफ ही रखूँगा। तो सर्किट में क्या शामिल होगा, सर्किट में ई एस शामिल होगा, ई एक्स शामिल नहीं होगा, यानी कि सिर्फ यही वाली बैटरी शामिल हुई हुई है। और फिर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जोकी इस पूरे वायर पर ए से लेके बी तक वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे। और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ना देने का मकसद यही होगा कि करंट पास नहीं हो रहा थ्रू गैल्वानोमीटर। और उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि ऊपर वाली जो हमारे सर्किट है, जो बैटरी है, फॉर एग्जाम्पल उसका ईएमएफ ई कर देते हैं, उसका ईएमएफ और ये जो मेरी सोर्स का ईएमएफ है, क्योंकि मैंने कम तार की लंबाई ली है, तो दोनों क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे, तभी कोई करंट पास नहीं हो रहा। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, करंट पास नहीं हो रहा, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा 0। जैसे हमें पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट सी पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्केल लगा हुआ होता है पोटेंशियोमीटर में, उससे नाप लेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी बराबर एल एस के। एल एस इस वजह से क्योंकि मैंने सर्किट में ई एस को शामिल किया हुआ था। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम की टू को ऑन करेंगे, की वन को ऑफ कर देंगे, यानी कि सर्किट में ऊपर वाला पोटेंशियल डिवाइडर शामिल होगा और यहाँ से ई एक्स शामिल होगा और फिर वो गैल्वानोमीटर से जुड़ा होगा। और अगेन हमने क्या करना है, हमने पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन ढूंढना है कि किस तार की किस लंबाई पर ऊपर का ईएमएफ और ई एक्स का ईएमएफ बराबर हो जाएगा, तभी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा 0। फॉर एग्जाम्पल वो सी डैश पर हो जाता है, इस पॉइंट पर आके जब मैंने की टू को ऑन किया हुआ था, यानी कि ई एक्स सर्किट में शामिल था, तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दी। जैसे ही गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दी, मैंने स्केल से नाप लिया कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, क्योंकि अननोन बैटरी शामिल थी, तो अब हमने उसको नाम दे दिया एल एक्स का। पहले एल एस था, अब हमने नाम दे दिया एल एक्स। तो अब इसका मतलब हमारे पास दो लंबाई आ गई, एक एल एस की लंबाई आ गई सोर्स वाली, और एक अननोन बैटरी को जो लगाया, तो फिर लंबाई आ गई एल एक्स। अब किस तरीके से इनको यूज़ करना है, तो ये देख लो, सबसे पहले जब मैंने कनेक्ट किया था की वन से पास हो रहा था, तो जैसे ही बैलेंस हुआ, ई एक्स बैलेंस हुआ, तो हमने दे दिया ई एक्स बराबर होगा वोल्टेज ही होगा ए और सी के दरमियान का। सी वो था पॉइंट जो कि मूवेबल था, जहाँ पर हम गैल्वानोमीटर को लगा रहे थे, तो नो डिफ्लेक्शन आ रही थी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी वाली हो गई, रेजिस्टेंस हो गई जो कि एक्स की वजह से है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मीटर ब्रिज में, आर बराबर होता है रॉ एल ओवर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है वायर तो एक ही है, तो लंबाई एक जैसी है, तो सिर्फ मैंने करंट को इस्तेमाल करा आई, जो कि यहाँ की वजह से आया, और रेजिस्टेंस की जगह पर मटेरियल रॉ है, और जो लेंथ थी जो हमने मेजर करी थी ई एक्स के टाइम, वो एल एक्स हो गई। लेट से ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने, अच्छा, रो आपको पता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, जिसको मैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी बोल लो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोल लो वायर की, जो कि पूरे तार की सेम रहेगी, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। जब हमने ई एक्स को आउट कर दिया था और ई एस को शामिल करा था की टू को क्लोज करके, तो जो लेंथ आई थी वो एल एस आई थी, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो उसी तरीके से ई एस आ जाएगा वी ए सी, तो वो जाएगा आई आर एस, और फिर वही फॉर्मूला
आई एज इट इज आ गया, रॉ और लेंथ कितनी आ जाएगी एल एस। एरिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि एरिया सेम होगा तो वो दोनों कैंसिल होना ही है, इस वजह से हम सिर्फ रेजिस्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं और लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये भी लॉजिक आप समझ सकते हो कि ये जो रॉ है ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो रॉ बराबर किसके होगा, रॉ बराबर होगा जो भी रेजिस्टेंस है ना उस वायर की, फॉर एग्जाम्पल एक्स पॉइंट तक, तो उसको एक्स का नाम दिया था, डिवाइडेड बाय जो लेंथ थी, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी एल एक्स। इसी वजह से हमने क्या करा, जब आर एक्स की जगह पे पुट करना चाहेंगे तो हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे रॉ मल्टीप्लाई बाय एल एक्स, ठीक है। तो एरिया को हमने शामिल ही नहीं करा, और हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आई रॉ एल एक्स और दूसरी इक्वेशन आ गई आई रॉ एल एस। इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, तो करंट से करंट और रॉ से रॉ कैंसिल, जैसे दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया ई एक्स डिवाइड बाई ई एस, एल एक्स डिवाइड बाई एल एस। और काम क्या था पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का काम था टू फाइंड द ई एम एफ ऑफ अननोन बैटरी, ठीक है। एक ई एम एफ है, अननोन ई एम एफ था, उसको फाइंड करना था ई एक्स। तो क्या करेंगे इसके लिए, ई एस को भेज देंगे इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो ई एक्स का आंसर आ जाएगा एल एक्स मल्टीप्लाई बाई ई एस डिवाइड बाई एल एस। नहीं तो फिर रेशियो भी फाइंड करते हैं, जैसे आपका एक प्रैक्टिकल भी है उसके अंदर सिर्फ रेशियो फाइंड करना होता है, तो रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एल एक्स एंड एल एस। सो आई होप पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो देखो दो फायदे हैं पोटेंशियोमीटर को स्टडी करने के, प्रैक्टिकल भी होगा अच्छा और थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।